गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के चैनल पे। आज आप देख सकते हैं मेरी शीट ओपन है। ये शीट वो शीट है जो मैंने अभी तक सब मतलब अब तक जो खरीदे मैंने स्टॉक पांच में, आज के मैंने पांच यहाँ पे नहीं डाले। मैंने बहुत सोचा ताकि रोज मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँ, राइट। सो डेफिनेटली आई विल डू इट लेटर ऑन। मैं एक बार सेटल हो जाएगा, जब क्लोज हो जाएगा तब मैं उस शीट को डाल दूंगा, यानी पांच जो आज के नए स्टॉक है उसको इन पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि आज के वैसे भी आज मैंने खरीदा है तो उनको आज से बेचने वाला नहीं हूँ, भले वो 10% अचीव करेंगे, और अगर कर भी लेते हैं तो कोई बात नहीं है। तो चलते हैं फिर, आपको दिखा देता हूँ ये मेरे पुराने जो 15 स्टॉक थे जो पिछले 3 दिन से इस बार जो सीरीज शुरू की है प्रोजेक्ट 1। और हमारा जो भी नए लोग हैं उनके लिए बस यही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा ये टारगेट है कि हम लोग 300 डेज में 10% कैसे कमाएंगे। 10% कमाने के लिए हमने ये स्ट्रेटजी रखी कि हम 5 शेयर रोज तो नहीं, मैं बोलूँगा जब भी होगा मुझे लगेगा कि अब बाई करना चाहिए 5 शेयर को, तो मैं बाई करूँगा और उनको भी करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सब मेरे पुराने हैं, जिसमें से MRPL जो मैंने ग्रीन कह रहा हूँ इसको मैंने बेच दिया। मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर ये 10% के ऊपर जाएगा तो मैं -1% में GTT लगा दूंगा, तो कल ये 12.53 पे पहुँच गया, 13% कुछ था लेकिन ऑटोमेटिकली बिक गया। क्वांटिटी कम थी, प्राइस कम था, ठीक है चलो, एक ने तो अचीव किया, देर आया दुरुस्त है, कोई को वहाँ पहुँचा वहाँ तक। सो अभी हम ये देखना चाहेंगे इसमें कि हमारे कौन से स्टॉक टॉप पे चल रहे हैं, कौन से सबसे बॉटम पे चल रहे हैं पुराने के हिसाब से। और कई लोग अगर नए हैं तो उनको ये पता हो, मतलब वो बोल रहा हूँ यार सब तो निगेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए कुछ स्टॉक मैंने पहले लिए थे उनको भी ऐड किया है, तो अभी हम देखते हैं सबसे ज़्यादा निगेटिव कौन है। वाह, 41% पे भी कोई है और 24 पे, तो चलो दो देखते हैं। तो आप देखो ये जो दो आएंगे आपके पास, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि इन दो को आप बाई कर लो, राइट। आप बाई करोगे प्राइस बढ़ेगा, मेरा भी भाव बढ़ेगा, तो एवरेज आउट में मुझे फायदा होगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा, बट डेफिनेटली ये अच्छे स्टॉक हैं, आप इनको अगर बाई कर लोगे तो आपको एक्चुअली प्रीमियम प्राइस में मिलेंगे। वैसे भी वॉरेन बफेट का कोट जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बाय द स्टॉक व्हेन इट इज ऑन अ लो वैल्यू, और आपको तो यहाँ 20-40% लो वैल्यू में मिलना है। चलो देखते हैं कौन से हैं। 24% आपको बर्जर फ्रेंड मिल रहा है, बर्जर फ्रेंड सोच के करना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि देखो पेंटिंग की सीनरी में देखो बात करोगे तो बारिश के बाद पूरे सीजन आने वाले हैं, ठीक है। सीजन से वैसा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद वाले क्वार्टर में फर्क पड़ता है जब माल बिकता है। लेकिन 4-5 ही कंपनीज हैं टॉप की, बर्जर पेंट है, एशियन पेंट्स है, एशियन पेंट कल ही मैंने रिकमेंड किया, ये सब 4-5 ही कंपनी है जो इन पे काम करती हैं और वो प्रॉफिट अच्छा खासा बनाती है। मतलब दे हैव अ गुड नेम इन मार्केट, उनका नाम बुरा नहीं है, तो आप ले सकते हो। वेदांता मैंने आपको बताया कि काफी चीजों पे काम कर रही है और इट्स गुड स्टॉक टू बाय। तो अगर आप देखोगे तो ये आज के हिसाब से है जो -41% पे है और ये चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो ये दोनों रिकमेंडेशन आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और अब देखते हैं सबसे हाईएस्ट कौन है मेरा, कौन जा रहा है 10% के पास में, 12% तो हो चुका है तो इनको हटाना पड़ेगा मुझे शायद। चलो पॉजिटिव एक ही स्टॉक दिख रहा मुझे, बाकी तो सब निगेटिव है, कोई बात नहीं। महिंद्रा वैसे भी अभी तो 52 वीक्स का हाई ही टच कर रहा है, हमेशा हर दिन करीबन अप्रोक्सीमेटली आई जा रहा है, वो हाई पे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये गुड स्टॉक है बाई करने के लिए, अभी 52 हाई किया है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा रुकना भी चाहिए, बट वो आपकी चॉइस है, मैं इस पर नहीं बोलूंगा कि क्या करना चाहिए आपको, बट वो आपकी चॉइस है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये पूरा पोर्टफोलियो है, आप मेरा पोर्टफोलियो अपने पुराने भी वीडियो देखेंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आज का कितना कहाँ पे एवरेज गोल कहाँ पहुंचा है भाई। सॉरी यानी मैं पहुंचा हूँ 7.03 पे, -7.03, कहाँ मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ तो 10%, अब मुझे 7% यानी मेरे को 17% रिकवर करना पड़ेगा। मुश्किल है मुश्किल, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना, नहीं नामुमकिन तो नहीं है, तो डेफिनेटली हम लोग ये कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स पे, अब देखते हैं आज के 5 शेयर्स कौन से मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, कौन से मैं बाई कर रहा हूँ, बाई एक्चुअली मैं कर चुका हूँ, अब आपको बस मैं नाम दिखाऊंगा कि कौन से 5 शेयर हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। उससे पहले मैं यही कहूंगा कि ये पूरा वीडियो एजुकेशन पर्पज से है और मैं इसमें हम वही दिखा रहे हैं कि मैं क्या खरीद रहा हूँ, जो मैं खरीद रहा हूँ वही खरीद के आपको दिखा रहा हूँ। मेरे खरीदे हुए स्टॉक ही यहाँ पे है, ऐसे कोई स्टॉक यहाँ पे नहीं है जो मैंने बाय नहीं किया, वो एवरी डे मैं आपको शो करता हूँ।
तो चलिए चलते हैं आज के स्टॉक के पांच। तो दोस्तों ये पांच स्टॉक नहीं है ये कल के हैं। आप 29 डेट देख सकते हो कि ये 29 पे लिए थे। यहाँ पर तो बहुत अच्छी बारिश हो रही है, इसमें देख सकते हो ये स्टॉक है। मैं इनको लेने जा रहा हूँ और सॉरी फोन आ गया था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए कहते हैं फोन को आप साइलेंट कर देना चाहिए। तो चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट, देखते हैं क्या हो रहा है मेरे स्टॉक का। चलो पांच स्टॉक, सॉरी मैं भूल गया था क्या करना है। तो पहला स्टॉक है मेरा आज का इंडस टावर। सो इंडस टावर आप देख लेना कि क्या करता है डेफिनेटली, लेकिन आज के थर्ड पार्ट में, वीडियो के थर्ड पार्ट में मैं इंडस टावर को भी आज देखूंगा कि क्या करते हैं और इसको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, क्या क्या सिनेरियो बता रही है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों खरीदना चाहिए। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले लिया है, मैंने आज चार क्वांटिटी खरीदी है। 206 का भाव चल रहा था तब ले लिया था मैंने। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो दूसरा जो मेरा है ONGC, इसको मैं सेकंड वीक में भी, मतलब सेकंड वीक कह रहा हूँ सेकंड डेज में भी, ट्यूजडे को भी मैंने खरीदा हुआ था ऑलरेडी, मेरे पास ये पहले भी था। तो आप देख सकते हैं कि ये वापस मेरे पास ऐड हो गया है। आज भी इसके चार स्टॉक मैंने 153 के ले लिए हैं। थर्ड है मेरा सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी मैंने ले लिया है और इसके भी चार क्वांटिटी खरीदी है। और चौथा है बहुत सही है TCS, बेस्ट स्टॉक। टाटा के आप कोई भी स्टॉक ले लो हमेशा अच्छे रहते हैं, तो आप हमेशा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी मैंने चार क्वांटिटी खरीदी है। और आपको पांचवा स्टॉक है मेरा आज का बैंक ऑफ बड़ौदा। और ये पांचवा स्टॉक है मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा जो आप खरीद सकते हैं और ये चीजें लेके आज चल सकते हैं। चले नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्टॉक ले सकते हैं आप। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी मैंने ज्यादा क्वांटिटी खरीदी, 3 क्वांटिटी खरीदी है। ये स्टॉक मेरे पास पहले से थे। ये पांचों स्टॉक जो आज मैंने रिकमेंड किए, ये पांचों स्टॉक मेरे पास पहले से थे, मतलब हैं। और ये चार, मतलब ये आज की जो पांच के स्टॉक हैं इनको मैंने वापस ऐड किए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि मैंने खरीदे या नहीं खरीदे। आप ये देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडस टावर, ONGC, सेल, TCS मैंने ऐड कर लिए हैं और यहाँ पे भी मैंने ऐड कर लिए हैं। ये मैंने थर्ड वीक के हैं, उससे पहले मैंने फर्स्ट और सेकंड वीक के, ये थर्ड वीक के हैं। तो आप ये सब देख सकते हैं कि आज कौन सा ज़्यादा गया, कितनी क्वांटिटी हो गई है। तो मेरे पास ONGC का पहले से ये सब स्टॉक था, देखिए 1010 का, ONGC का 12-13 था, सेल का 22 स्टॉक पहले से थे, TCS के 10 स्टॉक पड़े हुए मेरे पास, बैंक ऑफ बड़ौदा के 9 थे और आज मैंने वापस इसको ऐड कर लिया। ये मेरे पूरे स्टॉक हैं। अबाउट इंडिया आज मैंने बाई कर लिया है, मैं तो सेल कर दिया था। GTT में लगा के रखा था इसको, मैंने 10% पे नहीं रखा था। ये इतना बड़ा प्राइस का है कि मैं इसको, इन टाइप के स्टॉक्स को मैं 1000 रुपीज के ऊपर लगा के रख देता हूँ। 1000 के ऊपर है तो मैं इनको भेज दूंगा। ठीक है, पार्ट में आपका स्वागत है। थर्ड पार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आज इंडस टावर को हम लोग चेक करेंगे फंडामेंटल के हिसाब से, इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं और इसका रिटर्न कैसे आ सकता है। तो इंडस टावर मैं पहले भी आपको जैसे दिखाया कि एक स्टॉक है, लेकिन उससे पहले भी मैंने स्टॉक इसके लिए थे और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था अपना। CAGR अगर देखेंगे तो इसका 14.15 है, जो बहुत ही अच्छा है। तो यानी ऑन एवरेज वो 14% के करीब आपको पैसा दे देता है। तो चलो देखते हैं पूरी डिटेल्स में, आप इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। आज आप 3% के करीबन बढ़ गया है, ठीक है, जो मैंने बाई किया है, जो अभी होगा टाइम डेफिनेटली बढ़ गया है। इंट्रिंसिक वैल्यू पे रेड है, सब कुछ रेड फ्लैग्स फाउंड है कुछ चीज़ों पे, उसको चेक करेंगे बाद में। पहले हम देख लेते हैं कि इसका एक वीक का रिटर्न कितना है। एक वीक का रिटर्न है -2%, यानी अगर आप कब लेना चाहो तो अभी भी लोगे तो आप 2% प्रॉफिट में हो। और एक महीने का रिटर्न है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, यानी एक महीने में वो ऊपर नीचे करता है। एक साल का रिटर्न -14%, यानी ये ऐसे ऊपर गया है, 273.20 तक जग गया है। उसके बाद आज के टाइम पे 216 और 207 पे, कहाँ 320 से 207 पे है। अब हम इसके 5 साल की वैल्यू देखते हैं। 5 साल में ये एकदम डाउन हुआ है, मतलब इससे पहले ये एकदम 400 पे था कुछ 2017 में, जुलाई 17 में, और उसके बाद ये डाउन होता गया है। लेकिन अब इसके कारण अभी हमें इसका पूरा वैल्यू देखना पड़ेगा कि पूरा वैल्यू कैसा है। पूरा वैल्यू यानी 204 से 2013 में अगर आपने इसको लिया होता 204 में और आपने इसको छोड़ा होता
जैसे कई मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं कि नहीं मैं लॉन्ग टर्म में रख के छोड़ दूंगा, देखो 13 से लेके 22 तक आज वापस उसी वैल्यू पे है, ठीक है। अगर आपने मान लो इसमें 1,00,000 रुपए डाले हैं, आप बोलते हो कि आपको 15% पर ईयर के हिसाब से कमाना है, अगर आपने इसको 1,00,000 रुपए इसमें डाले हैं और आज वापस देखोगे, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि नहीं यार डाल दिया है छोड़ दिया है अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1,00,000 रुपए का मैंने ये शेयर लिया ना अब मैं इसको नहीं देखूंगा, मुझे नहीं देखना है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि भाई 15 मिनट देखो, आपका अगर एक टारगेट वैल्यू पर रीच हो जाता है तो आप बेच के वापस कोई और शेयर खरीद लो ना यार, जिसकी जिसको लग रहा है कि अच्छा शेयर है उसको खरीदना चाहिए, ट्राई कर लो। इसने अपने को 15% प्रॉफिट दे दिया तो आप उसको क्यों घिसोगे यार। सचिन तेंदुलकर ने अपना परफॉर्मेंस दे दिया 15 साल में जो देना था, अब उसको अभी भी आप अगर सचिन तेंदुलकर खिलाओगे तो वो धोनी नहीं बनेगा, या आप धोनी ने रिटायरमेंट ले लिया तो कोहली नहीं बन सकता, राइट। उनका हर किसी का एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप मान लो 207 में आपने 201 में खरीदा होता 13 में, 440 में आके आप बेच देते, मैं बोला बेच देते, तो आपको 200 रुपए प्रॉफिट हो गया पर शेयर। फिर वापस आप, मैं ये नहीं कहता कि आपको नहीं पता होता कि भाई कब जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे जब जा रहा है मान लो 448 से आपको जो 300 पे तो खरीद लो, 300 से फिर से नीचे आया 308 पे खरीद लो, 200 के रेंज में आया खरीद लो, फिर वापस 420 के करीब पहुंचा बेच दो, फिर यहाँ पे आजू बाजू में खरीदो और यहाँ पे बेचो। अब जिसने यहाँ पे खरीदा होगा वो तो फंस गया ना। एक बार मैंने सोच लिया कि नहीं मैं यार मैं खरीद के बेच नहीं बेचूंगा, देखूंगा मैं नहीं, मैंने अच्छा शेयर है शिशिर ने मैंने आपको रिकमेंड किया है इस पे तो 420 में अच्छा रिकमेंड किया तो भाई आएगा, नहीं आएगा यार, आपको खरीद के बेचना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पे खरीदा होगा यहाँ पे बेचा होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर मैंने यहाँ पे खरीद लिया है और मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ 200 पे तो मैं फायदा नहीं होगा। तो ये प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप SIP का चलो देखते हैं, इसका SIP इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि एटलीस्ट आप देखना नहीं है ना, तो आप SIP लगा दो मंथली आपको होता रहेगा। इसका SIP है क्या भाई? अनेबल टू लोड चार्ट, इनका नहीं बनाया इन्होंने, नहीं तो ये बहुत अच्छा रहता है, इसमें कई बार SIP के भी जाते हैं। अब इवेंट्स में देखते हैं कि क्या है इवेंट्स में। नो ट्रेंड्स इन डिविडेंड्स, इंडस टावर आर शोन इनकंसिस्टेंट डिविडेंड ट्रेंड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स, तो ये डिविडेंड नहीं देते हैं उतना। अब मतलब दिया है इन्होंने 13 मई 2022 को दिया था 11 रुपए का पर शेयर के हिसाब से दिया था, उससे पहले आप देखोगे 21 में इन्होंने 17 रुपए दिए थे, बहुत ज़्यादा दिए थे, लेकिन अभी नहीं दिया है तो ठीक है इसको नहीं देखते हैं। होल्डिंग्स चलो देखते हैं कि होल्डिंग्स का क्या बिहेवियर है लोगों का, ठीक है होल्डिंग्स में क्या बिहेवियर है। अगर आप 2022 का देखोगे तो मैं म्यूचुअल फंड पर नहीं जाता हूँ, ये म्यूचुअल फंड टोटल प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स घटाई है, लेकिन अनप्लेस्ड जो है 21% लोग हैं और अनप्लेस्ड है 46% है, यहाँ पे भी 41% है, राइट। अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड में, घटा है ठीक है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में घटा है, देखो फिर भी घटा है राइट। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में बढ़ा है, 26 से 28 हुआ है। अब ये आप मेरे पीछे मत पड़ेगा यार, फॉरेन वाले डालते हैं इसलिए तुम डालो, और रिटेल इन्वेस्टर में भी बढ़ा है ठीक है। तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं कमा रहा है ये शेयर और अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। पीयर्स में इनके देख लेते हैं कि पीयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है। इंडस टावर ही है जो डिविडेंड अच्छा दे रहा है, बाकी GTL इंफ्रास्ट्रक्चर, GTL लिमिटेड, वर्चुअल सॉफ्ट सिस्टम्स, ये सब नॉर्मल गए हुए हैं। आप इनका परफॉर्मेंस भी देख सकते हो, इंडस टावर के एकदम हाई पे गया था, मतलब GTL एकदम हाई पे गया था और वही इंडस टावर नीचे था, ब्लू है जो, लेकिन आज के टाइम पे इंडस टावर ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू अदर कॉम्पिटिटर। तो आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे। वैसे मैं इस फील्ड में बोलूंगा कि आपको लेने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट होती है इनके, ये सब काम करते हैं ये लोग, तो उसमें उतना जाने की जरूरत नहीं है। अब फाइनेंशियल आप अपना देख लीजिएगा, मैं नहीं देखूंगा। फोरकास्ट देखते हैं, फोरकास्ट में 39% लोगों ने बोला कि आपको लेना चाहिए, जहाँ पे 23 एनालिस्ट जो है, यानी 39% बोल रहे हैं तो यार कुछ तो होगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट वो आपकी चॉइस है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। रेवेन्यू फोरकास्ट भी आप देख सकते हो कि अच्छा खासा ही बढ़ा है इनका रेवेन्यू, बढ़ा है घटा नहीं है इनका रेवेन्यू, और अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट भी इनका बढ़ा है राइट। सब चीजें बढ़ ही रही हैं। अब बाकी मैंने तो लिया है, बस यही दिखाना चाहता था कि आप क्या क्या चीजें देख सकते हो, क्यों देखना चाहिए, ये तो मैं बताऊंगा नहीं, डेफिनेटली यहाँ पे हर चीजें दी हुई हैं, आप लोगों को इसमें देख करके आगे बढ़ना। तो आज
मैंने इंडसइंड टावर बाई कर लिया था और मेरे शेयर्स के प्राइस आप देख सकते हो कि इंडस्ट्री टावर ने दिया है 1.58 दे दिया है जो अभी भी प्राइस है, और बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, सेल, ONGC, TCS मैंने ले ही लिए हैं, पुराने पहले भी मेरे पास थे ये, जैसे TCS भी 10 था, ये सब थे, तो ये मैंने ले लिए हैं। तो चलिए शुरू ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी एनालिसिस का लेना है, अगर कुछ करना है, बताना है, आपको पूछना है, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट्स में डाल दीजिए, और प्लीज़ अगर मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे और मोटिवेट करेगा और डिफरेंट आइडियाज़ से वीडियो बनाने का। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, आप सबका दिन शुभ हो।